नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है। देवी सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है। ज्ञान और वाणी, बुद्धि, विवेक, विद्या और सभी कलाओं से परिपूर्ण माँ सरस्वती की इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। वसंत पंचमी का दिन शिक्षा प्रारंभ करने, नई विधा, कला, संगीत आदि सीखने के लिए श्रेष्ठ है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन बच्चों के अध्ययन कक्ष में कुछ वास्तु के अनुसार परिवर्तन कर आप माँ सरस्वती की उपासना करने से विद्यार्थियों को शिक्षा में लाभ मिलेगा। बता दें कि परीक्षा में सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ अध्ययन कक्ष का सही दिशा में होना जरूरी है। पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी गई है और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी इसी दिशा में सबसे ज्यादा है। इसलिए ध्यान रहे कि अध्ययन कक्ष इन्हीं दिशाओं में हो और पढ़ते वक्त चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। पढ़ाई की मेज रखने की सबसे उपयुक्त जगह उत्तर जोन है। यहाँ मेज रखने से बच्चे करियर में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाई हेतु कमरे में पुस्तकों की छोटी और हल्की रैक या अलमारी पूर्व या उत्तर दिशा में हो। टेबल लैंप मेज के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना लाभदायक है। टेबल कवर के रूप में सफेद चादर का ही इस्तेमाल करना सात्विक विचारों में वृद्धि करता है। आपको बता दें, वसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी सफेद या पीले वस्त्र पहनकर पढ़ने की मेज पर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में बुद्धि के देवता श्री गणेश और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की तस्वीर लगाएं। उन्हें पीले फूल, पीले रंग की मिठाई या खीर जरूर खिलाएं। इसके अलावा उनको केसर या पीले चंदन का टीका भी लगाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।